नेहा ठाकुर। चलिए रुक करते हैं जम्मू कश्मीर की तमाम बड़ी खबरों पर। जिला रियासी के अंतर्गत आने वाले गांव पुनासा में एक मिनी बस के दुर्घटनाग्रस्त होने के कारण एक महिला की मृत्यु हो गई जबकि 25 लोग घायल हो गए। तीव्र गति से चल रही एक मिनी बस पुनासा में 30 किलोमीटर गहरी खाई में जा गिरी जिसके कारण एक महिला की मौत हो गई और 25 लोग घायल हो गए। घायलों को जिला अस्पताल रियासी भर्ती करा दिया गया है जहाँ पर उनका इलाज चल रहा है। रियासी से रोमेश कुमार की रिपोर्ट। हीरानगर में एक प्रदर्शन का आयोजन सामाजिक इंसाफ मंच द्वारा किया गया जिसकी अगुवाई बीएल कांडले ने की, जिसका मकसद था सोशल वेलफेयर जमीन जो तहसील हीरानगर और मरहीन में है उसको गरीब शेड्यूल कास्ट लोगों को दिया जाए। ये प्रदर्शन स्टेडियम से शुरू होकर एसडीएम ऑफिस पर खत्म हुआ। इसके बाद बीएल कांडले ने कहा कि न्यायालय के आदेश का पालन होना चाहिए और 1965 के हाई कोर्ट जम्मू कश्मीर के ऑर्डर का पालन होना चाहिए और गरीब शेड्यूल कास्ट लोगों को प्लॉट मिलने चाहिए। उन्होंने कहा कि अगर सरकार ऐसा करने में असमर्थ रहती है तो वो भूख हड़ताल करने पर मजबूर हो जाएंगे। हीरानगर से सुनीत कुमार की रिपोर्ट। बिलावर के कोहब में एबीवीपी की टीम ने हायर सेकेंडरी स्कूल का दौरा किया जिसमें उन्होंने कई खामियां उस स्कूल में पाई। आपको बता दें कि सुमी ठाकुर की अध्यक्षता में जब ये टीम पहुंची तो देखा कि पूरी बिल्डिंग की जर्जर हालत है और क्लासरूम में भी बच्चों के बैठने की व्यवस्था नहीं है और तो और स्टाफ भी पूरा नहीं था और एक रूम में 5 लैब थी। अब आप खुद ही अंदाजा लगा सकते हैं कि बिलावर के सरकारी स्कूल का स्तर क्या है। ये देश एक तरफ डिजिटल इंडिया की तरफ बढ़ रहा है और ई एजुकेशन पर सरकार बड़े बड़े दावे कर रही है, वहीं यहाँ के लोगों को बुनियादी सुविधाएं तक मुहैया नहीं हो पा रही हैं। बिलावर से जेके खबरनाओ के लिए विजय कुमार की रिपोर्ट। कठुआ के चढ़वाल में पुलिस ने चरस की बड़ी खपत पकड़ी जिसकी कीमत 1 करोड़ बताई जा रही है। कठुआ पुलिस के चढ़वाल पुलिस स्टेशन की ये बड़ी कामयाबी है। कठुआ से सुदर्शन भार्गव की रिपोर्ट। आज एक बहुत बड़ी कामयाबी के तहत पुलिस पोस्ट चढ़वाल पुलिस कठुआ ने एक गाड़ी जेरे नंबर DL4C AM 4846 approximately 45 kgs of high grade chalas contraband substance recover किया है जिसकी market value तकरीबन 1 करोड़ के आसपास है। डॉक्टर मुमताज हुसैन शाह की अध्यक्षता में एक पत्रकार वार्ता का आयोजन किया गया जिसमें भारतीय मानव अधिकार संघ के राज्य संरक्षक सतवीर सिंह भी उपस्थित रहे। इसमें जम्मू कश्मीर के राज्यपाल से मांग की गई कि पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला के घर में सुरक्षा गार्डों द्वारा मुरफात की हत्या करने में आरोपियों की पहचान की जानी चाहिए, हत्यारों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। इसमें जम्मू कश्मीर उच्च न्यायालय के सीनियर जज की नियुक्ति करने के लिए जम्मू कश्मीर के गवर्नर से अपील की और मृतक के परिवार वालों के लिए इंसाफ की मांग की और कहा हत्यारों के खिलाफ तत्काल कार्रवाई की जाए। सुरनकोट से आकाश मलिक की रिपोर्ट। हम ऑल इंडिया वुमेन राइट एसोसिएशन की आज पूरी टीम है यहाँ पे। मैं डॉक्टर मुमताज हुसैन पैट्रन JNK स्टेट ऑल इंडिया वुमेन राइट एसोसिएशन, ये जनरल सेक्रेटरी सतवीर सिंह जी बैठे हैं। हम कुछ कहना चाहेंगे। जो सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल सुरनकोट है, यहाँ जो BMO पोस्टेड है इसकी एडमिनिस्ट्रेशन टोटली फेल है। यहाँ पेशेंट्स का कोई केयर नहीं होता है और डॉक्टर जो कंसर्न होते हैं वो ड्यूटी में भी होते हैं और NRHM वाले डॉक्टर जो फील्ड से आके यहाँ ड्यूटी देते हैं और यहाँ जब कोई ऑपरेशन होता है तो 20 से 30 हज़ार रुपया उस पेशेंट से लिया जाता है। काली की बात है कि यहाँ एक हड़ताल थी और सब केमिस्ट शॉप बंद थी। मेरे पास को 20 से 30 प्रिस्क्रिप्शन आई जिसमें सब बाजार से डॉक्टर ने दवाई लिखी हुई थी और क्या था लिखा हुआ, गन शॉट थेरेपी थी। 10-10 दवाइयाँ, अगर पेशेंट को एक बीमारी है उसमें कम से कम ज्यादा से ज्यादा 2 या 3 भी 10-10 लिखे थे क्योंकि वो केमिस्ट की सेल करना चाहते हैं।
मोहम्मद रज्जाक की हत्या का मामला अभी तक पुंछ पुलिस हल नहीं कर पाई है। पीड़ित परिवार 24 अप्रैल 2016 से न्याय की मांग कर रही है। सुरनकोट से ताहिर कासमी की रिपोर्ट। मेरे 3 बच्चे हैं, हमें कोई इंसाफ नहीं मिला। जहां से जिस आदमी पर शक है हमें, उसका नाम है मोहम्मद फारूक, उसकी बीवी का नाम परवीन अख्तर और मोहम्मद शफी। मेरे घर वाले के कातिल यही हैं। मैं बार बार आपसे ये गुजारिश करती हूँ कि हमें गवर्नर से मदद चाहती हूँ कि मेरा इंसाफ करें और हक और सच पर फैसला करें। जी मदद से 2016-24 अप्रैल को हमारे गांव का नाम है खड़ी वार्ड नंबर 3। जी सर, मेरा नाम बाग हसन है, मैं एक्स सीआरपी हूँ और खड़ी धर्मशाल वार्ड नंबर 3 में रहने वाला हूँ। सर मेरी अर्ज यह है कि मेरे मोहम्मद रजाक को छोटा सा बच्चा ला करके पाला था, फिर पढ़ाया था, फिर सऊदी अरब भेजा, फिर वो घर आया, फिर जाने के लिए तैयार था, लेकिन साथ में मेरे पड़ोस पर ये मेरी मुखालफत शुरू से करते थे सर, और ये चाहते थे कि ये यहाँ से निकल जाए तो ज़मीन हमें दे दे। मैंने इनसे जो सीनियर थे, इनके जो सरकर्दे थे, उनको जाकर बोला कि ये कई बार हमें धमकी देता है, मारता है, लड़ाई झगड़ा करता है, आप इनको बात करो। वो कहे तुम चलो तो हम आए, लेकिन हम जाएँ तो वो कभी वापस ना आए। इससे ज़ाहिर होता है कि उन लोगों का हाथ था। इससे मुझे ज़ाहिर है कि हाजी शरीफ, चौधरी फजल, निज़ामुद्दीन, इनका हाथ था पूरा, और इन लोगों ने मिल करके ऐसा किया है कि मेरे बच्चे को मरवाया। और मैं ये चाहता हूँ डीसी साहब से और एसपी साहब से कि हम इंसाफ चाहते हैं, हमें सच और हक पर हमारे बच्चे का कातिल जाहिर होना चाहिए और उस पर गवर्नमेंट कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। हम कानूनी कार्रवाई चाहते हैं कि कातिल को सामने लाना चाहिए और उसको जो है पुलिस अपने करे, और ये केस सीबीआई में देना चाहिए। मैं गवर्नर साहब से रिक्वेस्ट करता हूँ, प्रधानमंत्री पीएम साहब से भी रिक्वेस्ट करता हूँ कि मेरी हमारी छोटे बच्चों की, ये जो छोटे निके छोटे बच्चे रहे, मेरी बच्ची मजदूरी करती है, मांगती है, गांव गांव में घर घर में जाकर मांगती है, बच्चों का पेट पालती है, मुझे थोड़ी सी पेंशन मिलती है जो खाली मेरे लिए थोड़ा सा वो है, और कुछ है नहीं सर। इसलिए कश्मीर फुटबॉल एसोसिएशन एसडीएम कटरा नीलम खजूरिया के समर्थन में उतरे पटवार एसोसिएशन के पटवारी। आपको बता दें कि कटरा में म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन और एसडीएम द्वारा अतिक्रमण हटाए जाने पर वकीलों ने आरोप लगाया था। एसडीएम कटरा ने हमारे साथ अभद्र व्यवहार किया है और इसी के चलते उन्होंने एसडीएम के खिलाफ एफआईआर लगाई थी, परंतु आज क्लरिकल ऑफिसर स्ट्राइक पर चले गए। उनका ये भी कहना है कि अगर मैडम के खिलाफ जो एफआईआर लगाई है उसको हटाया नहीं गया और जिस वकील ने एसडीएम और मैडम के साथ अभद्र व्यवहार किया है उसे अरेस्ट किया जाए, जब तक उसे अरेस्ट नहीं किया जाता तब तक हमारी स्ट्राइक जारी रहेगी। वहीं दूसरी ओर एसडीएम नीलम खजूरिया के समर्थन में म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के कर्मचारी भी उतरे और उन्होंने कहा कि अगर मैडम पर एफआईआर हटाई नहीं गई तो उनका प्रदर्शन और उग्र हो जाएगा। डिस्ट्रिक्ट वाइस प्रेसिडेंट पटवार एसोसिएशन, जैसा कि मैं आपको बताना चाहूँगा, आज पटवार एसोसिएशन क्लरिकल स्टाफ और पूरे रेवेन्यू डिपार्टमेंट स्ट्राइक पे है। इसकी वजह यह है कि एंटी इंक्रोचमेंट ड्राइव चल रही थी, जो कि गवर्नर साहब का ऑर्डर था कि एंटी इंक्रोचमेंट ड्राइव की जाए। हमारी कटरा में एंटी इंक्रोचमेंट ड्राइव चल रही थी, हमारी मैजिस्ट्रेट से बदतमीजी होती है, एक वकील आकर मैडम की इंसल्ट करता है और बड़ी गंदी जबान इस्तेमाल करता है और उसके बाद बार एसोसिएशन का मिस यूज़ कर स्ट्राइक करवा कर मैडम के खिलाफ एफआईआर लगवा जल्द से जल्द एफआईआर रिवोक की जाए और कल्प्रिट को जल्द से जल्द अरेस्ट किया जाए और उसके खिलाफ एफआईआर लगनी चाहिए। हमारा तब तक ये एसोसिएशन और क्लरिकल स्टाफ स्ट्राइक पे रहेंगे जब तक उसको अरेस्ट नहीं किया जाएगा। थैंक यू। दस्तकार यूनियन जिंदाबाद, मजदूर दस्तकार यूनियन जिंदाबाद, हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो, हम क्या चाहते अपना
हम क्या जाते। बुधवार को मजदूर दस्तक यूनियन के सदस्यों द्वारा बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की गई। वहीं पत्रकारों से बात करते हुए मजदूर दस्तक यूनियन के जिला प्रधान जुगल किशोर ने बताया कि मजदूर का काम कर रहे लोगों के बहुत से बच्चों की पढ़ाई के लिए अभी तक स्कॉलरशिप नहीं आई है। मजदूरों के लिए जो लेबर सराय बनाई गई थी वो भी अभी तक मजदूरों का काम करने वाले लोगों को नहीं मिल पाई है। इसके अलावा मजदूरों ने मांग की गरीब मजदूरों की बच्चियों की शादी के लिए योजना के तहत जो पैसे दिए जाने थे वो योजना फिर से शुरू की जाए ताकि गरीब मजदूरों की बच्चियों की शादी के लिए थोड़ी बहुत राहत मिल सके। कटरा से रोमेश कुमार की रिपोर्ट। भी बता रहे थे कि जो हम लोग लेबर कोर्ट में अपना केस करते हैं जैसे कोई पेमेंट फंस जाती है तो वो वहाँ पे दो दो साल लग जाते हैं। तो हमने असिस्टेंट लेबर कमिश्नर साहब रियासी से कहा था कि इनका थोड़ा है कि दो तीन महीने में ये केस खत्म होना चाहिए। तो उन्होंने कहा कि नहीं, ये चार साल भी चल सकता है, ये कोर्ट का मसला होता है। और हमारे यहाँ पे कोई अवेयरनेस कैंप नहीं लग रहा है। मजदूरों का जो बच्चों की पढ़ाई के लिए स्कॉलरशिप आता है वो नहीं आ रहा है। कुछ बच्चों का आया है, बाकी वालों का नहीं आया। वो भी हमने हर मंथली 8 तारीख को हम डिमांड करते हैं कि जो हमारा आया हुआ है उनको दे दीजिए टाइम पे। मजदूर दस्तकार यूनियन का स्टेट वाइस प्रेसिडेंट बंसीलाल शर्मा, आज कटरा में हमारी मीटिंग हुई। कटरा में हमारी बहुत सारी डिमांडे हैं। हमने पहले एडिशनल डीसी साहब को भी बताया था कि हमारी जो मजदूरों की सराह जो बनी है वो सीआरपी के पास है। हमें उनको भी ये अपील की थी कि अगर वो हमारी सराहें हैं तो हमारे हवाले मजदूरों के किए जाए, अगर नहीं। फिलहाल हमारे आज के इस बुलेटिन में इतना ही। जम्मू कश्मीर की तमाम छोटी बड़ी खबरों के लिए सब्सक्राइब कीजिए जेके खबर नाओ। आप हमारा फेसबुक पेज जेके खबर नाओ भी लाइक कर सकते हैं। और अगर आपकी भी कोई न्यूज है तो आप नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर अपनी फोटो के साथ हमें भेज सकते हैं।